नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में आप सबके सामने आए हैं आचार्य राम शास्त्री जी, कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आप ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड कोई भी जो प्रश्न है आप पूछिए, नंबर हमारे चैनल पे है ही है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, पर्सनली बात भी कर सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का जो जवाब है आचार्य राम शास्त्री जी देंगे। और ऐसा है कि बहुत दफा ये पैसे भी नहीं लेते हैं, ये इनकी सबसे अच्छी खासियत है। हमारा प्रश्न है जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जी। हमारे नहीं, हमारे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का, पूरे दुनिया का एक प्रश्न होता है कि भाई हॉरोस्कोप होता है, कुंडली होती है, उसकी गणना कितनी सही होती है। देखिए, कुंडली की गणना आपके जो पंडित जी बैठे, जिसे आपने पूछने, सवाल पूछने आए हैं, आपने कुंडली पूछने आए हैं, वो उनकी विद्वता कितनी अच्छी है, कितना अच्छा ज्ञान रखते हैं कुंडली के बारे में। कुंडली तो 99% अच्छी होती है, और सही गणना करने वाला, फलादेश निकालने वाला विद्वान अगर सही बात बताए तो 99% कुंडली सही है। और उसमें से एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है भाई कुंडली में है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, गुरु अच्छे नहीं है, राहुल परेशान कर रहा है। जी जी। फिर हमारे जो विद्वान ज्योतिष हैं वो कहते हैं कि भाई इनकी पूजा कर लो, उनकी पूजा कर लो तो सही हो जाएगा। जी। तो क्या एक हुआ कि भाई तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है जी ये होगा, जी बुरा होगा जी या अच्छा होगा, पर अगर हम ग्रह की शांति करा लें, अंगूठी पहन लें, पत्थर पहन लें, पूजा करना शुरू कर दें तो उससे कितना फर्क पड़ता है? देखिए, उससे 80% फायदा होगा। आपकी कुंडली में मंगल खराब है, आपकी कुंडली में राहु खराब है, आपको ये संकट है, आपको वो संकट है, आपको गाड़ी से खतरा होने वाला है, या आपके धन आते आते रुक जाता है, काम नहीं बन रहा है। पंडित जी ने कहा कि आपकी कुंडली में गुरु आपका चांडाल योग बना रखा है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप गुरु शांति कराइए या राहु शांति कराइए। शांति करने से जो ग्रह उच्च के होते हैं उन्हीं की शांति कराई जाती है और उन्हीं का दान किया जाता है। जो कुंडली में नीच ग्रह होते हैं उनका, उनके लिए जप किया जाता है, उनके लिए दीपक या टोटके किए, कुछ टोटके नुस्खे होते हैं उनके जो बताते हैं हम लोग, जैसे कुत्ते को रोटी खिला देना है, बाहर चींटियों को दाना देना है, किसी वृद्ध की सेवा करना है, किसी बालक की सेवा करना है, कन्या को दान करना है, अनेक अनेक प्रकार से जो नुक्स होते हैं बताते हैं हम लोग। अच्छा, ग्रह शांति पूजा करने से 80% आपको लाभ मिलने लगेगा। हाँ, यहाँ पे मेरा ये प्रश्न है, जो 80% लाभ मिला एक तो हुआ जो होना है जी, या हमारे जो ग्रह हैं उन्होंने आप तक पहुँचाया और आपने हमें बताया जी, और हमने किया जी, तो ये ग्रह ने हमको आप तक पहुंचाया, मतलब होना तो होना ही है, निश्चित आपसे जरिया बन गए जी, होना निश्चित है, होना तो निश्चित ही है जी। हाँ, मतलब यदि हम ग्रह शांति वगैरह कराएं, पत्थर पहने, आप अगर गाड़ी से गिर रहे हैं तो साइकिल से गिरेंगे, वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपके जैसे कुंडली में महामृत्युंजय का योग बनाता है, विष योग पैदा होता है, विष योग पैदा होने से व्यक्ति का, जैसे अभी देखा आप सामने आया था कोरोना आया था, कोरोना के काल में देखिए कोई भी विज्ञान काम नहीं किया, नाना प्रकार कोई दवा सूट नहीं की है। ये योग क्या बना था, चंद्र शनि और केतु की महादशा कारण से धरती पर पूरी महामारी फैली हुई थी, इसमें सब लोग परेशान थे, सब लोग मर भी रहे थे, बहुत प्रकार से आपत्ति हमारे देश में थी। अब देखिए, इनकी दशाओं के, इनके उपचार कारण से कुछ दवाइयाँ दी गई, उसी प्रकार हमारे कुंडली में अगर इनके हम उपचार, पूजा पाठ करें, जाप ताप करें, दान पुण्य करें तो हमें सफलता मिलने लगती है, एक नया मार्ग, नई शक्ति मिलने लगती है हमें, तो ग्रहों की शांति और अंगूठी वगैरह से मिलता है। हाँ जी, अंगूठी धारण करने से आपको तुरंत लाभ मिलता है। तो आप सबका भी यदि कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्न का उत्तर या तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप फोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल कॉन्फ्रेंस पे बात भी करवा दिया जाता है जी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।